नमस्कार। ग्रो फनल सीरीज का आज ये 8वां लेसन है और इसमें हम टेक्स्ट को एडिट करना सीखेंगे कि टेक्स्ट को एडिट कैसे करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर, और इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हो या पेजेस क्रिएट करते हो तो आप बिल्कुल ही स्क्रैच से उसको क्रिएट नहीं करते। यही खासियत होती है टेम्पलेट बेस्ड फनल बिल्डर्स की। ठीक है, टेम्पलेट सिलेक्ट करना सबसे आसान काम होता है। करना क्या है कि टेम्पलेट सिलेक्ट करना पड़ता है आपको और बस उस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने दो पेजेस सेलेक्ट किए हैं, अभी के एग्जाम्पल के लिए हम एक नया टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। टेम्पलेट सेलेक्ट करने का फायदा ये होता है कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें नहीं क्रिएट करनी पड़ती, आप बस चीज़ों को बस कस्टमाइज करते चले जाते हो, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स की तरह चीज़ें भरते चले जाते हो। ओके, तो चलिए हमारा आज अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टेक्स्ट के क्या क्या कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं, किस तरीके से हम एक टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको टेक्स्ट का कोई भी कॉलम इंसर्ट करना है अपने किसी ब्लॉग के अंदर, तो क्या करोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीधे आप ले आके ये सारे टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं, देख रहे हो टेक्स्ट के अंदर ये जितने भी ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं सारे के सारे टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं। तो बस अब करते क्या हो कि अगर पैराग्राफ डालना होता है तो पैराग्राफ को लाके उस सेक्शन के अंदर पेस्ट कर देते हो। ठीक है, अगर आपको हेडिंग डालना होता है तो हेडिंग को ले आके उसको पेस्ट कर देते हो यहाँ पे। तो पेस्ट कैसे करते हो कि बस उसको पकड़ते हो, क्लिक एंड ड्रैग करके और बस उस सेक्शन के पास ले आके छोड़ देते हो, तो वो वहाँ पे आके अपनी जगह बना लेता है। जैसे मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये अपने आप ही अपनी जगह बना लेगा और इसका प्रीव्यू पहले ही दिख जाता है, जैसे कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा हेडिंग करके काले कलर में। अगर वो वहाँ पे एडजस्टेबल नहीं होगा तो वो बनाने वहाँ पे वो नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्पेसिंग का यूज़ करके और उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एडजस्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग को इसके बीच में डालूँ यहाँ नीचे, तो यहाँ भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे एडजस्ट करना है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको कंटेनर डालना होगा और कंटेनर डाल के एडजस्ट करना होगा। ठीक है, ऐसे ही और भी ऑप्शंस आप देख सकते हो, टाइटल एंड पैराग्राफ आइकन, टाइटल एंड पैराग्राफ ब्लॉक कोट लेफ्ट, ब्लॉक कोट राइट, आइकन एंड हेडिंग। ठीक है, तो ये सारे टेक्स्ट के अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप इनको एक एक चीज़ को टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको डाला आइकन प्लस हेडिंग का, तो इसमें एक आइकन होगा, आइकन के साथ हेडिंग होगा और साथ में एक पैरा भी होगा। ओके, अब इस आइकन को आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो आइकन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर में जाना है, कॉन्फ़िगर में जाके जो भी आइकन आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आइकन के डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कस्टमाइजेशन यहाँ से होगा। अब बात करते हैं टेक्स्ट की, क्योंकि हमारा आज लेसन है टेक्स्ट का। तो मान लिया कि आपको इस टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे कोई सेक्शन आपने डाला और इस सेक्शन के साइज़ को यानी कि इसके टेक्स्ट को बढ़ाना चाहते हो, उसके साइज़ को बढ़ाना चाहते हो, तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ से साइज का टेक्स्ट का बार खोलो। ठीक है, ओपन करो इसको ड्रॉप डाउन से और फिर साइज़ को का जो स्क्रॉल बार है उसको खींच के और बड़ा कर दो। ठीक है, तो ये जितना खींच के बड़ा करोगे, जितना आगे करोगे उतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज में है, शायद यहाँ पे 100% दिखाई दे रहा है। अब इसको और कम करोगे तो ये और कम होगा और इस तरीके से ये एडजस्ट होगा। ठीक है, अब इसका वेट चेंज करना चाहते हो, क्या आप चाहते हो इसको कि सेमी बोल्ड में रखें, सेमी बोल्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लो। अब चाहते हो कि इसको बोल्ड रखें तो ये बोल्ड सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो कुछ टेक्स्ट के कुछ टाइपोग्राफी ऐसे होते हैं या कुछ फॉन्ट्स भी ऐसे होते हैं जिनमें ये ऑप्शन काम नहीं करता आपका बोल्ड वाला। ठीक
क्योंकि ये ऑलरेडी बोल्ड है और इसलिए ये बोल्ड का ऑप्शन काम नहीं करेगा। इसका फॉन्ट ही ऐसा है कि ये बोल्ड में है, ठीक है। तो इसका फॉन्ट क्या है, कैसे पता लगेगा, तो पता नहीं लगेगा, बल्कि आप अपने हिसाब से इसके फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ और जो इसका पेज डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है उसको बदल के मैं एक मुझे बहुत पसंद है ये वाला फॉन्ट, तो मैं ये ले लेता हूँ बिटर। उसके बाद इसके वेट को एडजस्ट करके अपने हिसाब से मैं कर सकता हूँ। जैसे ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 800-900 रेगुलर और इस तरीके से वेट को मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका कलर चेंज करना, इसके कलर को चेंज करने के लिए सिंपली इसके कलर वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से विजिबल नहीं है बिकॉज ये इसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही इसका कलर लिया हुआ है इन्होंने। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मल्टीपल कलर ऑप्शन से प्रीसेट, ओके। जैसे ही आप किसी कलर के बॉक्स पे कर्सर को ले जाते हो तो ड्रॉप डाउन खुल के आ जाता है उसी कलर से रिलेटेड डिफरेंट वेरिएशंस के साथ। तो जैसे ही किसी एक चीज पे क्लिक करते हो आप, तो वो कलर उस हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है। जो अगर कोई कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको लगता है कि इसमें वो कलर नहीं है, तो उसके लिए आप सीधे इस वाले आइकन पे क्लिक करते हो। ये जो राउंड 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 सा दिख रहा है सर्कल जैसा कोड के बगल में, तो इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा कि कलर का पूरा पैलेट खुल के आ जाएगा और इस पैलेट में से कोई भी कलर अपनी मर्जी का आप चूज़ कर सकते हो इस पैलेट को एडजस्ट करके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कलर कोड है तो उस कलर कोड को यहाँ पर डाल के इसको क्लिक करोगे तो वो कलर कोड यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हुई कलर की बात। इसके बाद बात करते हैं अलाइनमेंट की। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन होता है, तो अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हो बस सेंटर अलाइनमेंट वाले आइकन पे क्लिक करना है और ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं हो रहा है तो कई सारे रीज़न होते हैं इसके नहीं होने के, कि इसका एडजस्टमेंट जो है पेरेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि ये इसके इसका पेरेंट सेक्शन जो है या ब्लॉक है उसके अकॉर्डिंग इसने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे एडजस्ट होगा या फिर इसका अलाइनमेंट कैसे आप इसको सेंटर में लाना चाहते हो इसकी तरह, तो कैसे होगा, इसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। उसमें से एक तरीका हम और इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला तरीका देख लेते हैं। ये वाला तरीका भी काम नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना होगा कि इसके कंटेनर को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद इसके लेआउट में जाना होगा। लेआउट में जाके हॉरिजॉन्टल और फिर इसको सेंटर अलाइन करके देखते हैं, या इसके वर्टिकल को सेंटर अलाइन करके देखते हैं यहाँ से, तो ये बीच में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करने होंगे, ओके। एक तरीका मेरे पास ये भी था कि मैं इसको स्पेसिंग के मदद से, यानी कि जो स्पेसिंग का ये कॉलम है हमारा ये वाला, इसके मदद से इसको मैं लेफ़्ट राइट करता। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको राइट करने के लिए मैंने इसके लेफ़्ट वाले पे क्लिक किया मार्जिन के सेक्शन पे, और उसको जैसे ही मैं इसको एडजस्ट करूँगा ये आगे पीछे होगा, ओके। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आगे पीछे हो रहा है, राइट में जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैक नेगेटिव पे आप क्लिक करते हो तो ये दूसरे साइड में जाने लग जाता है, ओके। लेकिन ध्यान रहे, जब आप स्पेसिंग को चेंज करते हो इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करके, तो आपको यहाँ से हर एक टैब में जाके, टैब बोले तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग साइजिंग के लिए जो ऑप्शन है इसमें, वो जाके आपको देखना होगा कि क्या उस साइज में भी ये फिट आ रहा है या फिर वो कट तो नहीं रहा, आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, तो ये आपको जाके देखना होगा, ओके। इसके बाद बात करते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन को बोल्ड करने की। जैसे ये सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड करना है, मैंने बोल्ड कर दिया। इटैलिसाइज करने के लिए इटैलिसाइज कर दिया इस तरीके से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये हाईलाइट हो जाए, ठीक है, ये वाला सेक्शन हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और कोई भी एक कलर, फॉर एग्जांपल येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ हाईलाइट के लिए, तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ओके। इसके अलावा लेटर स्पेसिंग की बात की थी मैंने, तो जैसे इसी वाले सेक्शन को देख लेते हैं।
इस सेक्शन में जो एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच का गैप है मुझे इसको कम करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेटर स्पेसिंग को टाइट कर दूंगा, ठीक है। आपने देखा कि ये किस तरीके से एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हो गया और ये टाइट जैसा हो गया, जगह कम लिया इसने और कंटेंट पूरा का पूरा वैसे ही है, ओके। इसके बाद लाइन हाइट, लाइन हाइट यानी कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का जो गैप है, क्या आप उसको कम करना चाहते हो या ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको टाइट करता हूँ तो अभी ऑलरेडी ये टाइट है, टाइट मतलब कि पास पास। इसको मैं जैसे ही लूज़ करूँगा तो ये दूर दूर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही एक नॉर्मल का भी ऑप्शन है तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, ओके। तो ये थे टेक्स्ट के सारे ऑप्शंस। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि टेक्स्ट में कुछ बचा हुआ है। और जो भी चीज़ें कस्टमाइजेशन का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि आपको जैसे जैसे आप एडिटिंग करते जाते हो वैसे वैसे चीज़ें आपको समझ आती जाती है। हो सकता है कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उससे भी आसान तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को कस्टमाइज़ कर सको। तो ये पूरी तरह से इसका कोई थंब रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को या चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हम करते हैं इसमें, जैसे मुझे इसमें गोज को हाईलाइट करना है, हाईलाइट करके दिखाना है, बिकॉज़ ये मैं चाहता हूँ कि गोज थोड़ा अलग दिखे। तो या तो मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ सीधे ही, ओके। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे चेंज हो गया, मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से विजिबल हो। ओके, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, साथ में अंडरलाइन भी कर दिया, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के ये जो विवेमस है, विवेमस नाम का जो वर्ड है, इस पे कोई लिंक ऐड करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूँगा और कोई भी लिंक यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अगर एक्सटर्नल लिंक है कोई, एक्सटर्नल मतलब कि इस साइट के अंदर नहीं है, हमारी साइट का कोई लिंक नहीं है, हमारे पेज का कोई लिंक नहीं है, आउट का है, तो पूरा लिंक आपको डालना होगा। जैसे कि https://google.com, ठीक है, ये गूगल का लिंक हो गया। लेकिन अगर मुझे अपने पेज का ही कोई लिंक देना है इसमें, ठीक है, तो बस मुझे पेज का नाम टाइप करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस वर्ड पे इस पेज का लिंक हो, यानी कि इस वर्ड पे अगर कोई क्लिक करे तो वो इस पेज पे पहुँचे, हमारे इस वाले पेज पे जो हमने पहले क्रिएट किया था। तो इसका लिंक क्या है हमारा, page2, ओके। तो हमें सिर्फ यहाँ पे page-2 डालना होगा, ना कि पूरा पूरे साइट का URL, ओके। जैसे कि मैं डाल के दिखाता हूँ आपको, page-2, ओके, सॉरी, फिर से सेलेक्ट करते हैं इसको, page-2, ओके। तो जैसे मैं एंटर करूँगा ये यहाँ पे लिंक बन के आ जाएगा, ये ब्लू कलर में दिखेगा आपको। तो यहाँ पे तो आपको page-2 दिखेगा, लेकिन जब ये लाइव होगा तो ये आपके साइट की page-2 के ऊपर ही रिडायरेक्ट होगा, ओके। अब इसके ट्रांसपेरेंसी को ज़रा चेक करते हैं। उस दिन इसके पीछे वाले लेसन में ट्रांसपेरेंसी हमारा काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। देखते हैं क्या यहाँ पे काम कर रहा है, ये देखिए बिल्कुल तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। जितना हम ट्रांसपेरेंसी आगे बढ़ाते हैं उतना ही ये ट्रांसपेरेंट होता चला जाता है, ओके। ये ऑप्शन भी हमारा काम कर रहा है। तो आई होप कि मैं टेक्स्ट की सारी चीज़ें कवर कर पाया हूँ, और बाकी जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखोगे, आगे कस्टमाइज़ करोगे, वैसे वैसे चीज़ें आपको और क्लियर होती चली जाएंगी और आसानी से करते चले जाओगे, ओके। तो आपको ऐसा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अलग अलग तरह के पेजेस क्रिएट करो अपने साइट के ऊपर, और चीज़ों को बस सीखो, अलग अलग चीज़ों के साथ प्ले करो। प्ले करने के बाद एक डमी पेज रखो जिसमें चीज़ों को आप प्ले कर सको, खेल सको चीज़ों के साथ, ठीक है। एक चीज़ और आता है कि बटन का टेक्स्ट, ठीक है, तो बटन का टेक्स्ट कैसे चेंज होगा। तो बटन का टेक्स्ट आपको जनरली यहाँ पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट आप चेंज नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ कॉन्फ़िगर सेक्शन में। कॉन्फ़िगर सेक्शन में जाके और बटन का टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पे लिखोगे, वो
लिख जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक हेयर, तो ये क्लिक हेयर हो जाएगा। उसके बाद इसको लिंक कर दिया मैंने अपने दूसरे पेज के साथ, कौन से पेज के साथ, तो ये यहाँ पे सेलेक्ट करके मैंने पेज टू कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये पेज टू जो भी इस बटन पे क्लिक करे तो उसका जो मेरा पेज टू है वो दूसरे टैब में खुले, तो इसको मैं चेक कर दूँगा। ओके, अदरवाइज मैं इसको अनचेक रहने दूंगा। अनचेक रहने दूंगा तो क्या होगा, उसी टैब में खुल जाएगा। ओके, और इसे यहां से अपडेट कर दूंगा। एक और आता है कि बटन विद आइकन, तो वो एलिमेंट भी यहां से आप उठा के डाल सकते हो कि बटन के साथ ये देखिए बटन का वो बना हुआ है सॉलिड बटन, बटन विद आइकन एफ ए और टेक्स्ट लिंक, तो ये तीन ऑप्शंस है बटन के लिए। तो अभी बटन के का जब टॉपिक आएगा तो बटन के टॉपिक में ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। और बाकी आई होप कि मैं टेक्स्ट के सारे ऑप्शंस को मैं कवर कर पाया हूँ। बाकी मिलते हैं अगले लेसन में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।